कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि क्या रियल लाइफ में जोम्बी वायरस या फिर जोम्बी वायरस जैसा कोई वायरस आ सकता है, और आ भी गया तो कैसे, उसका कारण क्या होगा। तो द लास्ट ऑफ अस शो इसी पर रियलिस्टिक अप्रोच रखता है कि अगर रियल में जोम्बी जैसा वायरस फैलेगा तो आखिर कैसे। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा द लास्ट ऑफ अस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो द लास्ट ऑफ अस HBO Max का ओरिजिनल शो है, जिसको कि आप इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो, जिसका कि अब तक एक ही एपिसोड आया है। और ये शो एडेप्टेशन है 2013 में आए सेम नेम द लास्ट ऑफ अस वीडियो गेम का। जी हाँ, ये कोई ओरिजिनल शो नहीं है, एक गेम का एडेप्टेशन है। और पहले क्लियर कर दूं कि मैंने गेम तो नहीं खेली हुई है, लेकिन शो काफी अच्छा लग रहा है। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि आखिर रियल लाइफ में जोम्बी जैसा वायरस कैसे आ सकता है। तो शो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक कोडिसेप्स नाम का फंगस, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, और अभी तक तो ये फंगस कीड़े मकोड़ों को ही टेक ओवर कर सकता है रियल में, लेकिन शो में हमें दिखाया गया है कि ये ह्यूमंस को भी टेक ओवर कर लेता है, जिसके बाद कि ये ह्यूमन बॉडी में ग्रो करता है और उसको अपने कंट्रोल में लेता है, और उसको तब तक जिंदा रखता है जब तक वो रह सकता है, जिससे कि वो इस वायरस को आगे बढ़ा सके। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सुना सुनाया वही जोम्बीज मूवी वाला लग रहा होगा, लेकिन जोम्बी वायरस एक फैंटेसी है, और ये शो उस पर एक रियलिस्टिक अप्रोच रखता है कि अगर रियल लाइफ में जोम्बी वायरस आएगा तो उसका कारण कोडिसेप्स नाम का फंगस होगा। और आपने इस शो में देखा भी होगा कि जोम्बी शब्द हमको इसमें सुनने को भी नहीं मिला है, वो सब उनको इन्फेक्टेड बुलाते हैं, क्योंकि जोम्बी वायरस काल्पनिक है और कोडिसेप्स फंगस रियलिस्टिक है। पर खैर, सीरीज का अब तक फर्स्ट एपिसोड ही आया है, जो कि अपने वर्ल्ड को सेट करता है, जहां पर कि कोडिसेप्स फंगस बहुत से ह्यूमंस को टेक ओवर कर चुका है, और ये अब ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है, जिसके बाद कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहे हैं। उनमें से कुछ की अपनी पर्सनल नीड्स हैं, जिसमें कि हम स्टोरी फॉलो करते हैं एक जोएल नाम के बंदे की, जिनका रोल प्ले किया है पेड्रो पास्कल ने, जिनको कि मैंने पहली बार देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, कॉन्सेप्ट मेरे को काफी अच्छा लगा रियलिस्टिक जोम्बीज वाला। तो अभी फर्स्ट एपिसोड ही आया है, और मैं इसके आगे के एपिसोड देखना चाहूंगा, जिसके बाद की जब सीरीज पूरी हो जाएगी तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी बनती है। तो वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ एक और जरूरी बात कि शो हिंदी में तो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो अगर इंग्लिश से कोई इश्यू नहीं है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर के देख सकते हो। इसके साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक मार दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।